था गुवाहाटी, मॉम डैड की 40th एनिवर्सरी है, उनको सरप्राइज देना है। मैं जा रहा हूँ चुपके से देखने के लिए डेकोरेशन हुआ कि नहीं, एंड मॉम डैड नीचे आ चुके हैं होटल में। लेट्स गो। गलती से -1 दब गया है और 0 पे रुक गई तो मेरी जान निकल जाएगी क्योंकि वो सब 0 पे बैठे हैं। बच गए यार, 0 ग्राउंड फ्लोर पे रुक गई थी, 3-4 लोग अंदर आ गए, मैंने कहा कि मम्मी पापा ना आ जाएं, अंकल भूल गए बताना, तो नहीं जाऊंगा अब मैं देखने। कुछ कैसे करो रिकॉर्ड, नीचे तो जा नहीं सकते, एक तो कार्ड में दिक्कत है, कार्ड उसी फ्लोर पे लेके जाएगा तो 0 पे। एक बार और ट्राई करें। सो आई कॉल्ड अ पर्सन हु इज हेल्पिंग मी आउट टू डू ऑल द सेटअप एंड डेकोरेशन, सरस्वती। आई आस्क्ड हर कि यार ग्राउंड फ्लोर पे जाऊँ कैसे, -1 पे जा रहा हूँ तो लॉक है, फर्स्ट पे रेस्टोरेंट है, एंड ग्राउंड पे निकलूंगा तो सामने वो लोग बैठे हैं, एंड आई नीड टू रिकॉर्ड द वीडियो ऑफ देम sitting. So she is very helpful, very nice. She said ki that I am coming to restaurant, then you come there, I'll take you from there. In one of the lift I got stuck, everybody was there from the senior group. I came with her, Saraswati. I'm checking if they are there or not. I can't find them. No. So I met my Vidur. मैं दित्राश, मेरी आंखें नहीं थी तो उन्होंने बोला मम्मी गरी लेने गए हैं। दे द वन आई वाज टॉकिंग टू रजनीश अंकल। ओके, सो ये देखो सब लोग पहुंच गए भैया, कोई आइडिया नहीं है। So let me introduce Bhupendra ji. So yeah, hi guys, my name is Bhupendra. Like I think my job is like very, I really enjoy my job because you know I take people like the elderly people, they call senior citizen to you know to tour, and you know we make them fun, you know, to enjoy the holidays and all, because you know this is the age when like as a youngster we believe like this is the age for spiritual tour. Correct. So believe me guys, if you know send your parents with me, then you'll see like how much fun we do. Thanks, man. So I'm going to my room. Mine is 501. Their room is 503. And ab milenge 8:30 baje ki cutting. लिफ्ट में मम्मी पापा पीछे थे, रूम से निकल के आए, मैं लिफ्ट में घुसा ही था, पूरा जैकेट फोड़ के बैठा हूँ लगेज के साथ सो दैट कोई पता ना चले, एंड देन आई केम अप दिस क्लोज। आइए डॉक्टर, एवरीवन। और उनकी वाइफ निर्मला सिंह का आज मैरिज एनिवर्सरी है,
19 नवंबर 1984 को ये लोग डेडलॉक में और अब उसी से आप इनका 42 वर्ष हो रहा है 40 इस बीच इन्होंने दो पुत्र रत्न दिए हैं, बड़े का नाम है केतन सिंह जिनकी शादी दीपिका से हुई है और उनको एक बेटी है शकरी सिंह, दूसरा बेटा ध्रुव सिंह सामने खड़े हुए। हेलो, इनकी शादी इनकी पत्नी का नाम खुशबू सिंह है और अभी इन्होंने तीसरे की ओर नहीं बढ़े हैं। डॉक्टर साहब अलीगढ़ के रहने वाले हैं, इनका सारा मेडिकल लखनऊ से हुआ है और नर्मदा सिंह जो है इनकी सारी एजुकेशन टीकमगढ़ से हुई है, इनके फादर रिटायर्ड प्रिंसिपल रहे हैं डिग्री कॉलेज के। ठाकुर साहब अलीगढ़ के किसान परिवार से रहने वाले हैं, इनके पिताजी का नाम ठाकुर जयपाल सिंह है और माताजी का नाम सावित्री सिंह है। इस बच्चे के नाना ठाकुर रघुवीर सिंह और नानी सावित्री सिंह हैं। खूबी की बात है कि इनकी माताजी का नाम भी सावित्री सिंह है और इनकी माताजी का नाम भी सावित्री सिंह है। सज्जन पाल सिंह बहुत ही सज्जन है, इसीलिए इनको निर्मल मन मिल गया और हम अब चाहेंगे कि इनका बेटा अनाउंस करके आके एक कटिंग सेरेमनी करें। जब बेटा अपने माँ बाप का मैरिज एनिवर्सरी मनाए तो माँ बाप का सपना पूरा, वो भी जिस कंडीशन में बेंगलोर से आके इसने यहाँ सारी व्यवस्था की, खुद सुबह से आके यहाँ होटल रुका रहा है। पाँच सौ एक नंबर में रुका हुआ है, इसीलिए हम लोगों को पांचवी मंजिल पर रूम लेना पड़ा, इसीलिए पांचवी मंजिल पे है। और पापे बाय बोल दो, बाय। कुछ नहीं, टिकट तो हम लोग लखनऊ अमौसी से यहाँ आए, यहाँ से अपने साधन से हम टैक्सी से गए शिलोंग, वहाँ फिर आप लोगों से सबसे मुलाकात हुई। तो जब यहाँ रास्ते में जा रहे थे तो रास्ते भर रोती चली जा रही थी, पता नहीं क्यों रो रही थी, और प्यार की वजह से है। आपने हर मुश्किल को अपने ऊपर लिया और हमें हमेशा खुशियाँ दी, आपकी परवरिश ने हमें वो इंसान बनाया जिस पर आप गर्व कर सकें। ये सब अब ये समय सिर्फ आपका है, इस सफर को भरपूर जिए और नई यादें बनाएं। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और हमेशा आपके आभारी रहेंगे, ढेर सारा प्यार। बहुत अच्छा लगा बेटा, यू नो इंट्रोड्यूस ध्रुव फॉर दिस नाइस सरप्राइज, सो वी ऑल लेट्स चीयर्स फॉर ध्रुव फॉर अ लवली सरप्राइज। ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। सांस लेता हूँ दिल खुश
आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है, मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। जैसे कह रही थी तुम मुझे बांध लो बंधन में, ये कैसा रिश्ता है, ये कैसे सपने हैं, बेदाने हो के भी वे लगते अपने हैं। मैं सोच में रहता हूँ, डर के रहता हूँ, पल पल दिल के पास तुम रहते हो। गाइस टेक्निकल ग्लिच, टेक्निकल ग्लिच, बोल के भी आ गए अनाउंसमेंट। जिसे तेरा हो गया अंबर, का नंबर आज से मेरा हो गया। Oh,